हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडिया इन हिंदी में। और आज हम जानेंगे कि किस तरह डीआरडीओ के मिसाइल प्रोग्राम की जानकारी लीक करने वाले प्रोग्राम इंजीनियर को धरा गया। डीआरडीओ नाम तो सुना ही होगा, ये उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसने हमारे देश के लिए मिसाइल्स, टैंक्स और यहाँ तक की मॉस्किटो रिपेलेंट्स तक का आविष्कार किया है। हमारा डिफेंस अपने मैक्सिमम फाइटर जेट, वेपन्स, सबमरीन्स और बेहतरीन वॉरशिप्स के लिए डीआरडीओ पर निर्भर करता है। आप कह सकते हो कि हमारा डिफेंस डीआरडीओ के बिना टूट जाएगा। इस सब से तो जाहिर है कि डीआरडीओ का इन्फॉर्मेशन एक टॉप सीक्रेट है जिसके पीछे दुनिया के सारे दुश्मन हैं, और इस लिस्ट में शामिल होता है पाकिस्तान। हाल ही में इस ऑर्गेनाइजेशन के विशाखापट्टनम के रहने वाले 29 वर्ष के कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ दुक्का मल्लिका अर्जुना रेड्डी ने RCI के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड पिक्चर्स और पेपर्स एक पाकिस्तानी स्पाई के साथ फेसबुक पर शेयर किया है। तेलंगाना पुलिस का कहना है कि ISI हैंडलर नताशा राव उर्फ सिमरन चोपड़ा उर्फ ओमिशा अद्दी ने उनको हनी ट्रैप किया है। ये सब कुछ ऐसे शुरू हुआ है। आरोपी को मार्च 2020 में नताशा राव ने एक फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था और अपने आप को एक बेंगलुरु की निवासी और IAF अधिकारी की बेटी के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था। राव ने आरोपी को बताया था कि वो रिसेंटली UK में रिलोकेट हुई थी और वो वहाँ पर एक UK बेस्ड डिफेंस जर्नल में काम कर रही थी। हैरान करने वाली बात तो ये है कि आरोपी ने राव के साथ 2 साल तक फेसबुक पर बात करी और सिर्फ DRDO के सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स ही नहीं बल्कि अपना बैंक अकाउंट नंबर भी दिया था। क्या आप उन लोगों में से हैं जो अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर शेयर करते हैं? अगर आपने इसके लिए हाँ बोला हो तो ध्यान से सुनिएगा। लोगों का कहना है कि राव ने आरोपी को इसीलिए टारगेट किया था क्योंकि उसने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर ये लिखा था कि वो DRDL के लिए काम कर रहा है। असल में आरोपी DRDL प्रोजेक्ट पर 2 साल तक एक प्राइवेट कंपनी के साथ काम करने के बाद 2020 में DRDO के DRDL में एडवांस्ड नेवल सिस्टम प्रोग्राम में एक कॉन्ट्रेक्चुअल क्वालिटी अश्योरेंस इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। ये बहुत ज्यादा हो गया। छोटे में बोले तो DRDL ने उन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के तौर पर हायर किया था। जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये धोखा तो नहीं एक्सपेक्ट किया था। आपको जानना है कि अब आरोपी के साथ क्या हो रहा है? उन्हें तेलंगाना पुलिस ने उनके घर से शुक्रवार को कस्टडी में ले लिया था। रेड्डी पर आपराधिक विश्वासघात इंडियन पीनल कोड IPC की धारा 409 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के कई प्रावधानों के तहत आरोपी ठहराया गया है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए, और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी नई वीडियोस मिस ना करें।